आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो परसेंटेज से है, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज पे क्वेश्चन है और इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड पे भी आप लोगों ने पढ़ा है, इमेज की तैयारी अगर कर रहे हैं तो पता होगा एलिगेशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। पर देखिए एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हम उसके अंदर सीमित रहते हैं कि जितना टीचर ने बताया या छोटा लिखा या बड़ा लिखा या बीच वाला लिखा और ये घटा के यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए एक और चीज़ समझनी है और वो चीज़ समझ जाएंगे तो आप काफ़ी क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि ऑप्शन देखा ही नहीं और सीधा ही आंसर आ गया, ठीक है। उसी चीज़ को समझने के लिए पहले मेरे से कॉन्सेप्ट समझिए। मान लेते हैं 10 रुपये प्रति लीटर का मैं पहला मिक्सचर लेता हूँ, दूसरा मिक्सचर लेता हूँ 14 रुपये प्रति लीटर का, और दोनों समान मात्रा में लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो जो मिश्रण बनेगा उसकी कीमत आ जाएगी 12 रुपये, यानी एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी अगर दोनों की समान क्वांटिटी में लेता हूँ तो, ठीक है। पर एक बात और समझनी है, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि पहले वाली क्वांटिटी ज़्यादा लूँ, मान लेते हैं ये 3 ले रहा हूँ मैं, ये 2 ले रहा हूँ, तो देखिए 1:1 कब आ रहा था, जब मिश्रण का जो मूल मिक्सचर की जो मीन वैल्यू है वो 12 रुपये आ रही थी, ठीक है। पर देखिए अगर ये मिक्सचर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कम कीमत वाला अगर ज़्यादा हो जाएगा तो यानी मिश्रण जो बनेगा टोटल उसकी कीमत 12 से और कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 12 होगी, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर मैं इसे ऐसा कर देता हूँ कि ये 10 है, ये 14 है, ये 2 है, ये 3 है, तो देखिए यहाँ जो वैल्यू आएगी वो मोर देन 12 आएगी, क्योंकि ये वाली मात्रा ज़्यादा है, यानी महंगे वाला जो मिक्सचर है वो मैंने ज़्यादा मिलाया है, महंगे वाला ज़्यादा मिलाया और सस्ते वाला कम मिलाया, तो कीमत जो है मीन वैल्यू से महंगे वाले की तरफ चली जाएगी, यानी ये वैल्यू अगर 12 थी ये 12 से कम आएगी, ये 12 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया और इसी पे बेसिक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे। पहली परीक्षा में मेरे को 72% अंक मिलते हैं, दूसरी के अंदर 80% अंक मिलते हैं, ठीक है। और अगर देखिए पहले की जो परीक्षा है वो 900 नंबर की है और दूसरी परीक्षा है 700 नंबर की, यानी अनुपात देखें तो 9:7 का है और मेरे को कंबाइंड परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब एक बात देखिए, अगर यहाँ 1:1 होता, ठीक है, तो बीच में क्या आ जाता, 76 आ जाता, ठीक है। कब आता 76, इनकी मीन वैल्यू हो जाती 80 और 72 हो गया 152, उसका आधा हो गया 76, पर वो कब आता जब ये अनुपात 1:1 होता, पर यहाँ ये अनुपात 1:1 नहीं है, यहाँ ये छोटे वाला जो है ये ज़्यादा है, ये 9 है, ये 7 है, ठीक है। यानी अब जो मीन वैल्यू होगी वो 76 से थोड़ी कम होगी, यानी 76 से कम होगी, यानी ये वाला केस बन गया लेस देन 12 वाला, ठीक है। तो 76 से कम अगर मैं देखता हूँ ये वाली वैल्यू है, ये आंसर आ जाएगी, यानी यहाँ 75.5% आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने ये देखा एलिगेशन को हमने सीमित नहीं रखा, हमने इसका कॉन्सेप्चुअली प्रयोग भी करा, यानी ऑप्शन को देख के हम एलिगेशन के अंदर कैसे फिट करा सकते हैं। हमने खाली मेथड ही नहीं देखा कि मेथड कैसे कैसे एलिगेशन का काम करता है, मैंने उस चीज़ को लॉजिकल बताया आपको कि अगर 1:1 होता है तो 12 हो जाएगा, अगर ये चीज़ ज़्यादा होती है तो इसकी तरफ प्राइस शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये चीज़ ज़्यादा होती है तो इसकी तरफ प्राइस शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा ये चीज़ ज़्यादा थी तो ये मीन वैल्यू जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए आंसर ए ऑप्शन आ गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।